हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंडियन मॉम स्टूडियो गाइस। अभी इवनिंग के 4:30 हो रहे हैं और आज मेरा आपसे काफ़ी सारी बातें करने का मन कर रहा था, तो सोचा कि ही क्यों ना आज मैं आपसे वो बातें करूं जो मैंने आपसे कभी शेयर नहीं करी हैं और आपने कभी भी वो सुनी नहीं है। तो कुछ अनकही और कुछ अनसुनी बातें मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा मन कर रहा है कि पहले एक एक कप चाय हो जाए। तो मैं पहले इवनिंग की चाय बनाऊंगी एंड उसके बाद आपके साथ शेयर करूंगी वो बातें जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। हाय, तो अभी मैं बनाने वाली हूँ चाय जल्दी से। और बाय द वे, आज छठ पूजा भी है, तो अगर आप छठ पूजा करते हैं, आप इस ये व्रत रखते हैं, तो आपके लिए व्रत बहुत मंगलमय हो, बहुत ही सारी खुशियां लेकर आए आपके लिए व्रत। मुझे इसके व्रत की विधि वगैरह का इतना आइडिया नहीं है, बस मुझे थोड़ा बहुत पता है कि इस व्रत में पूरा दिन आप भूखा प्यासा रहते हो एंड देन नेक्स्ट डे आप पूजा कर ही कुछ खा सकते हो, तो ये सब मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं पता कि इस व्रत को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो बस मैं आपको बहुत सारी विशेष देना चाहती हूँ, आप अच्छा अच्छा तैयार होना और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, व्रत आपके लिए खूब सारी खुशियां लेकर आए। तो मैं जल्दी से चाय बना रही हूँ। तो हाँ, मैंने अभी एक कप पानी रख दिया है, तो गैस ऑन कर दिया है और अभी मैं डालने वाली हूँ इसके अंदर इलायची। तो एक इलायची मुझे डालना पसंद है और जिंजर जो है वो खत्म हो गई है। हालांकि मुझे बिना जिंजर की चाय बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन आज तो पीनी पड़ेगी। और क्योंकि मेरे पास जिंजर नहीं है, तो मैं इसमें मिलाने वाली हूँ लौंग। लौंग से भी अच्छा फ्लेवर आता है, तो मैं इसके अंदर लौंग मिलाने वाली हूँ। भूनती हूँ पहले काय। ओके, तो ये रही लौंग, तो इसमें मैं एक लौंग मिलाने वाली हूँ और इसको अच्छे से क्रश करूंगी मैं पहले। एंड बाय द वे, आप में से कितने लोगों को चाय पीना पसंद है? एक्चुअली मुझे ना दो टाइम चाय पीना बहुत ही फेवरेट है मेरा। मैं एक तो मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, जब विंटर टाइम स्टार्ट होता है तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं इवनिंग में भी चाय लूं, क्योंकि उससे थोड़ा सा ना आपको जो लेजीनेस होती है वो निकल जाती है सारी और आप शाम के लिए फिर से रेडी हो जाते हो। वो आप लोग भी सब मेरी तरह से ही सोचते हो क्या? तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ी एक्टिव हो जाती हूँ चाय पीने के बाद। इसमें निकोटीन होता है ना, इसी वजह से हम लोगों के अंदर एनर्जी आ जाती है वापस। अब इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ मिल्क, तो मैं मिल्क लेकर आती हूँ फटाफट। ओके, तो यहाँ मेरा मिल्क आ चुका है और ये मैं ऐड करने वाली हूँ हाफ कप। और ये चाय मैं अपने लिए और प्रशांत के लिए, दोनों के लिए बना रही हूँ। आप सोच रहे होगे वरना इतनी सारी चाय कौन पीने वाला है। तो भाई का भी अभी मैं ये चाय दो लोगों के लिए बना रही हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करूंगी। तो मेरी चाय यहाँ बन रही है, तब तक मैं बात कर रही थी कि आजकल शादियों का सीजन आ चुका है, तो काफी सारे लोगों के घर में शादियां भी होने वाली होंगी, तो काफी सारे लोग एक्साइटेड भी होंगे शादियों को लेकर, क्योंकि शादियों में जो अच्छा अच्छा पहनने का जो मिलता है ना मौका, और अच्छा अच्छा तैयार होने का, घूमने का और अच्छा अच्छा खाना खाने का भी, उसे भी नहीं भूलना है, तो वो भी एक अच्छी चीज है। तो खाना खाने का जो ये सब मौका मिलता है ना, तो एक एक्साइटमेंट रहता है यार, घर में शादी आने वाली है। तो आप में से काफी सारे लोगों के घर में शादियां भी आने वाली होंगी, तो आप में से कौन कौन लोग एक्साइटेड हैं और किस किस के घर में शादियां हैं? अगर आपके ब्रदर की या सिस्टर की शादी है तो प्लीज जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। गाइस, ये मेरा नो मेकअप फेस है और मतलब ठीक ठाक ही लगता है यार। तो मैं ये बात कर रही थी कि कुछ ऐसी बातें जो मैंने आपसे कभी नहीं करी हैं और ना ही आपने कभी वो बातें सुनी हैं, तो हो सकता है कि आप उन बातों में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो। तो हम सब लोग YouTube पे जब वीडियो बनाते हैं तो हम सभी लोग अपने वीडियो को मोनेटाइज करते हैं, लेकिन पता नहीं मेरा जो प्यार है YouTube के लिए वो कभी भी मोनेटाइजेशन से जुड़ा हुआ नहीं था। मैंने 1.5 साल बिना मोनेटाइजेशन के वीडियो बनाई हुई हैं। आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा और लगेगा कि यार ये क्या बोल रही है, कुछ भी बोलते हैं यूट्यूब पे तो यार झूठ बोल रही है कुछ भी, लेकिन ये बात उतनी ही सच है क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। तो
तो मैंने कभी भी अपनी वीडियो कभी मोनेटाइज नहीं करी 1.5 साल तक, जब तक मैं US में रह रही थी। हाँ, मैं 2 मंथ से कर रही हूँ, जब से मैं इंडिया आई हूँ तब से मैंने मोनेटाइजेशन करना स्टार्ट किया है अपनी वीडियो पर, लेकिन इससे पहले मेरी कोई भी अर्निंग नहीं थी क्योंकि मैं वर्किंग वीज़ा पर नहीं थी। मेरे अभी वहाँ वर्किंग वीज़ा पर थे लेकिन मेरा कोई वर्किंग वीज़ा वहाँ पर नहीं था। लेकिन जो YouTube के लिए मेरा प्यार था ना, वो कभी कम नहीं था। तो जब मैं YouTube पर स्टार्टिंग में अपना टाइम पास करने के लिए बहुत वीडियो देखा करती थी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से दूर थी और मैंने इंडिया छोड़ दिया था, US रह रही थी, तो फैमिली मेम्बर आसपास नहीं थे, फ्रेंड्स भी थोड़ा टाइम बाद बनते हैं, तो आप अपना टाइम पास करने के लिए नेट पर ही जाते हो। तो नेट पर मैं YouTube वीडियो देखती थी, मुझे पसंद आती थी, मैंने Instagram का अकाउंट भी खोल रखा था काफ़ी टाइम से, तो वहाँ पर भी मैं अपनी पोस्ट डालती रहती थी। और जो मेकअप के प्रति मेरा जो लव था वो पूरा एस्टीम पे था, मुझे मतलब मेकअप खरीदना, उन्हें ट्राई करना बहुत पसंद था और तरह तरह के उनसे लुक क्रिएट करना। तो सोचा कि क्यों ना मैं खुद का भी अपना एक चैनल स्टार्ट करूँ, तो मैंने चैनल स्टार्ट कर दिया। और मुझे ये लगा कि जिस तरीके से मुझे दूसरों के वीडियो में इंटरेस्ट आता है और मैं उनसे कुछ सीखती हूँ, उसी तरीके से कुछ लोग मुझसे भी सीख पाएँ, तो मैंने इस हॉबी को कंटिन्यू किया। और कभी नहीं सोचा कि मोनेटाइजेशन वीडियो का हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि मैं अपना इतना टाइम दे रही हूँ, इतने एफर्ट्स लगा रही हूँ, उसकी कुछ अर्निंग भी मुझे मिलेगी या नहीं, उस पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मतलब मेरा प्यार जो था वो YouTube के लिए एक तरफा कह सकते हो, क्योंकि YouTube मुझे कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन मेरा जो प्यार था वो व्यूवर्स के प्रति बढ़ता ही जा रहा था। मतलब जब भी आप लोग मुझे कमेंट करते थे प्यारे प्यारे, तो मुझे इतना अच्छा लगता था ना कि उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद और देखने के बाद मुझे लगता था कि मेरा एफर्ट जो था वो पूरा हो गया। मतलब मैंने जो इतनी भी मेहनत करी है एडिटिंग में या शूटिंग में, वो आप लोगों के प्यार से मतलब पूरी फिलफुल हो गई। तो गाइस, ये था मेरा व्यूवर्स और यूट्यूब के प्रति मेरा प्यार और मेरी छोटी सी एक स्टोरी जो कि मैंने आज आपके साथ शेयर करी। तो जब मैं इंडिया लौटी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एडसन अकाउंट बनाकर अपनी वीडियो को मोनेटाइज करना स्टार्ट कर दूं। तो लेकिन सबसे पहले जो मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार एडसन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको किसी बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था किसी बैंक में अकाउंट खोलने के लिए, क्योंकि मैं जस्ट लैंड ही हुई थी। तो मुझे लगा कि पहले जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो कंप्लीट कर लिए जाए, देन इसके बारे में सोचूंगी। तो मैं उन सब चीज़ों में बिज़ी हो गई। लेकिन एक दिन अचानक से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अकाउंट सेटिंग पे जाकर देखूं कि किस तरीके से आप अपनी वीडियो को मोनेटाइज कर सकते हो। तो वहाँ पर मोनेटाइजेशन का एक ऑप्शन आ रहा था, तो मैंने जस्ट उसको फिल करना स्टार्ट किया। फिर उसने कंट्री का नेम पूछा एंड और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन पूछी, और इस तरीके से मेरे पास एक मेल आई कि आपका थोड़े ही दिन में आप अपनी वीडियो को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में, मुझे लगता था स्टार्टिंग में सबसे जो पहला स्टेप होता है वो मोनेटाइजेशन के लिए, वो होना चाहिए कि एडसन अकाउंट बनाने के लिए आपका खुद का किसी बैंक में अकाउंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हो मेरी तरह से, आपने अभी तक बैंक अकाउंट नहीं बनवाया इसलिए आप अपनी वीडियो को मोनेटाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये पहला स्टेप नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट जरूर है क्योंकि, लेकिन ये आपका फर्स्ट स्टेप नहीं है। आप अपनी वीडियो डे 1 से मोनेटाइज कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप $100 नहीं अर्न कर लेते तब तक आप एडसन अकाउंट से अपने पैसे नहीं निकाल सकते। आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो मेरी तरह सोचते होंगे या बहुत सारे स्मार्ट भी होंगे, लेकिन मेरा खुद का ये सोच था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो। और हाँ, अगर आपको ये जानना हो कि आप मोनेटाइजेशन कैसे कर सकते हैं, आप अपनी वीडियो को किस तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो अगर आपको ये जानना है तो जस्ट आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा एंड आई वुड लव टू शेयर विद यू। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं। तो गाइज, अभी मुझे कुछ कपड़े हैं जो तय करने हैं। आज मॉर्निंग में मैंने कुछ कपड़े वॉश किए थे तो उनको तय करना है। तो अभी पहले मैं चाय पी रही हूँ और चाय पीते पीते कपड़े भी तय करूँगी। अदरक नहीं है लेकिन फिर भी चाय टेस्टी बनी है, क्योंकि इसमें ना आपको उसका टेस्ट आ रहा है, इलायची का बहुत मस्त टेस्ट आ रहा है। तो फिलहाल मेरे पास ये टास्क है, इन सारे कपड़ों को मुझे प्रेस करना है और तय करना है। इनमें से मतलब सारे कपड़े तो मुझे प्रेस नहीं करने, लेकिन कुछ कपड़े हैं जो प्रेस करने हैं और तय तो सारे ही कपड़े करने होंगे। और कुछ यहाँ पर जैकेट्स भी गिरी हुई हैं, तो वो सब मुझे तय करना है और अलमीरा में लगाना है। तो आई होप आपको मेरा ये इवनिंग व्लॉग पसंद आया होगा और मेरी कुछ अनकही और अनसुनी बातें भी आपको जानकर अच्छी लगी होंगी।
तो बस आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो, रोज़ रोज़ मैं वीडियो डालती हूँ और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, अब तो कर लो ना यार प्लीज़। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन, इट्स मीन्स अ लॉट टू मी, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, लव यू।